साथियों, आज के इस प्रोटेस्ट में आए तमाम साथियों का फूल जोहार और इनकलाब करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड के अंदर आजादी के बाद से ये लगातार आदिवासियों और मूलवासियों का जो जल जंगल जमीन के ऊपर जो उनका अधिकार रहा है उनको खत्म करने का लगातार प्रयास सरकार के द्वारा, चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, वो लगातार रहा है। इसी के क्रम में आप देखिएगा, पिछले दिनों जो वहाँ पे जमीन की कानूने हैं CNT SPT एक्ट, उसमें बड़े स्तर पर छेड़छाड़ करने का कोशिश सरकार के द्वारा किया गया। उसी के बरक्स में अभी हाल में जमीन अधिग्रहण कानून आया है जिसमें कहता है कि रैयतों की मंजूरी की जरूरत नहीं है, सरकार जब चाहे जिस भी तरीके से चाहे आदिवासियों मूलवासियों का जमीन बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए छीन लिए जाएंगे। और उसी के क्रम में रघुवर दास बड़े बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े कंपनियों के सम्मेलन कराते हैं रांची के अंदर और कहता है कि रांची के आसपास जितने मिनरल जितने माइंस हैं उनको बड़े बड़े कंपनियों को दिया जाएगा। और इसी के खिलाफ जो आदिवासियों का मूलवासियों का झारखंड और झारखंड के बाहर भी पत्थलगड़ी की एक परंपरा रही है कि हम अपनी बात अपना मैसेज अपना रेजिस्टेंस अपना प्रतिरोध पत्थल में लिख करके गांव के बाहर लगाते हैं, यह आदिवासियों की मूलवासियों की झारखंड के अंदर एक लंबी और पुरानी परंपरा रही है। इसी के खिलाफ खूंटी के आसपास में चाईबासा में दुमका में लगातार प्रतिरोध दर्ज हुआ और ग्रामीणों ने पत्थलगड़ी किया। और इसी क्रम में जल जंगल जमीन बचाने के सवाल पर झारखंड का जो बुद्धिजीवी तबका है, जो लोग फेसबुक चलाते हैं ट्विटर चलाते हैं, उन लोगों ने विरोध के स्वर पे लिखना शुरू किया सरकार के खिलाफ, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लिखना शुरू किया। और इसके एवज में सरकार को जहां चाहिए था कि आदिवासियों मूलवासियों के साथ डायलॉग करे, बातचीत करे, एक रास्ता निकाले, एक समाधान निकाले, लेकिन ये नहीं करते हुए झारखंड के अंदर 20 सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर सेडिशन का मुकदमा दायर कर दिया जाता है, देशद्रोह का FIR दर्ज किया कर दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड के अंदर इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड के अंदर एक ऐसा स्टेट है जहां पर बकरी चराने वाले के ऊपर भी देशद्रोह का चार्ज लगाया गया। झारखंड के अंदर ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर जल जंगल जमीन लूटने के नाम पर सरकारें आदिवासियों को मूलवासियों को जेल के अंदर ठेलने का काम किया है। वहां के अंदर जेल का अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो बड़ी तादाद में आदिवासी, बड़ी तादाद में मुसलमान और बड़ी तादाद पे वहाँ के मूलवासी शामिल है। उनका गुनाह क्या है? अधिकतर जो केसेस है वो जमीन का सवाल है, वहाँ पे जंगल को लेकर के सवाल है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेकर के सवाल है। जेल के अंदर एक बड़ा तबका जो फॉरेस्टर वहाँ पे है, जो रेंजर है, फर्जी मुकदमा दायर करके वहाँ के आदिवासियों को जेल के अंदर डालने का काम पिछले कई सालों से किया जा रहा है। और इसके खिलाफ झारखंड के अंदर लगातार आंदोलन चला है। CNT SPT अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया तो पूरा झारखंड में उबाल हुआ, पूरा झारखंड में आंदोलन हुआ और कुछ देर के लिए सरकार और वहाँ के गवर्नर उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन उसके बाद झारखंड के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल आता है जिसमें वहाँ के रैयतों को उसकी सहमति और असहमति का कोई मंजूरी लेने की दरकार सरकार नहीं समझता है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जमीन की कानून है CNT SPT एक्ट के तहत ही, वहाँ पर आज के डेट में अगर थोड़ा बहुत भी आदिवासियों के पास जमीन बचा है तो इस कानून के वजह से बचा है। आदिवासी इस देश का पहला लड़ाका रहा है जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए 1760 से लेकर आज तक अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की आज़ादी में बराबर का भागीदार होते हुए आदिवासियों ने अपना शहादत दिया। चाहे संविधान बनाने में आदिवासियों का कंट्रीब्यूशन हो, जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग संविधान को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बाबा साहब को लगातार कंधे में कंधे मिलाकर मदद करता रहा, तमाम कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोटेस्ट है, कल रांची में प्रोटेस्ट है और झारखंड के अंदर लगातार इस सेडिशन के सवाल पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है,
और झारखंड के अंदर फिर एक ऐसा माहौल बन रहा है कि झारखंड के आदिवासियों के ऊपर अगर दमन होता है तो झारखंड की स्थिति लगातार बिगड़ेगी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार रघुवर दास की सरकार जिम्मेदार होगा। और उसी आवाज को, झारखंड के अंदर की आवाज को हम लोग साथ देते हुए, हम लोग बुलंद करते हुए दिल्ली के अंदर जो भी तरक्की पसंद अमन पसंद लोग हैं उनके साथ मिलकर के हम अपनी आवाज को झारखंड के जनता के साथ अपनी आवाज को मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में तमाम सारे संगठन के लोग, इंडिविजुअल्स, दिल्ली के अंदर बाहर काम करने वाले एक्टिविस्ट, आप तमाम लोग आए हैं, एक कंसर्न के साथ आए हैं झारखंड के अंदर। जब वहाँ पे नाइन्थ शेड्यूल कमेटी का रिपोर्ट आता है और वो कहता है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन 50% से बढ़ाकर 73% करना चाहिए, तब सरकार उस पर चुप्पी साध लेता है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार OBC को लुभाने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है, सही बात है, लेकिन ठीक वहीं पर झारखंड के अंदर अभी लेक्चरशिप की वैकेंसी आई है और अगर OBC का कोटा देखिएगा तो लगभग 0 से 2% के बराबर या उससे भी कम है। लोअर OBC का कोटा तो आया ही नहीं है एक तरह से मान लीजिए। तो ये एक तरफ OBC को लुभाने का काम और दूसरे तरफ OBC का जो राइट्स है, OBC का जो हक है, उससे बेदखल करने का काम ये मौजूदा सरकार झारखंड के अंदर और देश के अंदर कर रही है। और ये इसलिए ये बात आज ज्यादा मौजूद है क्योंकि आज ही के दिन देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ था। पूरे देश के अंदर मंडल कमीशन के रिपोर्ट को आज के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस सेलिब्रेशन में हमारा आंदोलन, हमारा लड़ाई आदिवासियों के पक्ष के लिए, माइनॉरिटी के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, ये हमारा आंदोलन इस मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आने का एक सेलिब्रेशन ही हम लोग मानते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में आंदोलन भी एक सेलिब्रेशन होता है, लड़ाई भी एक सेलिब्रेशन होता है। और इस सेलिब्रेशन के साथ इस उलगुलान को, इस हुल आंदोलन को नए तरीके से, नए तेवर के साथ अपने जल जंगल जमीन, हक हकूक मान सम्मान को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ते हुए तमाम 20 लोगों के ऊपर जो सेडिशन का चार्ज लगा है उनको वापस करा के ही यह आंदोलन, ये कारवां रुकेगा। दिल्ली के अंदर हो सकता है कम प्रोटेस्ट हो लेकिन झारखंड के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आने वाले समय में प्रोटेस्ट होंगे और इसका खामियाजा 2019 के चुनाव में भाजपा के सरकार को झारखंड के अंदर भुगतना होगा। क्योंकि लगातार जो जमीन का सवाल है, जो महिलाओं का हक हकूक मान सम्मान का सवाल है, झारखंड के अंदर लगातार मॉब लिंचिंग का सवाल है, मुसलमानों को मारने का सवाल है और वहीं पे बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक खुलकर मॉब लिंचिंग करने वाले के साथ फोटो खिंचाता है, डालता है, उनके साथ खड़ा होता है, ऐसा सरकार, ऐसा स्टेट हमारा झारखंड स्टेट का कभी ये करेक्टर नहीं रहा है। और लगातार बीजेपी और RSS झारखंड के करेक्टर को बदलने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जमीन के सवाल पर झारखंड के अंदर देखिएगा आदिवासी, मुसलमान, OBC, दलित सारे एक साथ खड़ा होकर के जमीन को बचाने के लिए लड़ा है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इसी क्रम में जो 20 लोगों के ऊपर सेडिशन लगा है उसमें से मुक्ति तिर्की जी हैं, जो पैसे जो पत्रकार हैं, हम चाहते हैं आप आए और अपने अनुभव को बताएं।